हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। हम पढ़ने वाले हैं आज माय मदर एट 66 का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर आपने थंबनेल में देख ही लिया था हम करने क्या वाले हैं। वन लाइन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरी पोइम को वापस से पढ़ेंगे। मतलब पूरे पोइम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आए हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, पूरा फोकस कीजिएगा शुरू से लेकर एंड तक। लीजिए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द पोइम, मतलब इस पोइम के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये पोइम क्या है। कुल मिलाकर बात ये की गई, तो ये याद कर लेना आप, ये पोइम एक रिकलेक्शन है, बस इसको इतना ही याद करना है। ये पोइम क्या है, रिकलेक्शन है। आपको पूछा जाएगा इसके क्वेश्चंस में, मैं करवाऊंगा रिकलेक्शन कैसे हुआ है ना, ये पोइम रिकलेक्शन है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, इसको ऐसे ही याद करना है, अभी मेरी बात मानो। सेकेंड, विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेज, अब देखो बात क्या आ रही है, लिटरेरी डिवाइसेज। मैंने आपको बताया था इस पूरी पोइम के अंदर दो वर्ड आएंगे, या तो लिटरेरी डिवाइसेज लिखा हुआ रहेगा, या फिर लिखा हुआ रहेगा फिगर ऑफ स्पीच, या फिर क्या लिखा हुआ रहेगा, फिगर ऑफ स्पीच। ये चीज मैंने आपको पॉइंट पढ़ाते समय बताई थी कि एक तो होता है लिटरेरी डिवाइसेज या फिर फिगर ऑफ स्पीच। यहां पर दो फिगर ऑफ स्पीच या दो लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया गया है अलग अलग जगह। हमें पूछा क्या जा रहा है, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स। पढ़ाते समय मैंने बताया था लाइक का जब भी नाम आएगा तो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा या जो लिटरेरी टर्म्स होगा वो सिमिली होगा, रूपक अलंकार। अच्छा, लाइक की जगह एज भी मिल सकता है, लाइक की जगह आपको क्या मिल सकता है, एज भी मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज, कौन सा इज द टोन, टोन है ऑफ द पोइट इन द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। जो पहला एक्सट्रैक्ट है, पहला पैराग्राफ है कि जब कमला दास अपने माता पिता के घर से अपने माँ के साथ गाड़ी में जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, फ्राइडे को जा रही है, मॉर्निंग को जा रही है, वो अपनी माँ को देखती है, बड़ा दुखी होती है। तो पहले पैराग्राफ में हमें पूछा जा रहा है कि पहले एक्सट्रैक्ट में कवि, मतलब इस पोइम की टोन क्या है, कि सर टोन है बहुत ही दुख भरी है, तो ग्लूमी का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, है ना। ये जो पोइम है ये आपको दुखी करने वाली पोइम नजर आती है, और फियरफुल, थोड़ा सा डर उसे नजर आता है। कवियत्री को दुख किस चीज का है कि माँ बूढ़ी हो रही है, और डर किस चीज का है कि माँ जाने वाली है, जाने वाली इन द सेंस कि माँ अब 66 साल की हो गई है, कभी भी मर सकती है। विच, थोड़े छाले हो रखे हैं मुंह में इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच, लो आ गया फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है इस वाली लाइन में, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मैंने बताया था पेड़ भाग रहे हैं, तो पेड़ थोड़ी भागते हैं, पेड़ों को हमने भगाया है, इसका मतलब मानव बना दिया। फूल हंस रहे हैं, तो फूलों को थोड़ी हंसाया है, हैं फूल थोड़ी हंस रहे हैं, फूलों को हमने हंसा दिया, इसका मतलब मानवीकरण कर दिया है ना। रिमोट बोल रहा है, तो रिमोट थोड़ी बोल रहा है, रिमोट को बुलवा दिया, तो मानव जैसी आकृति कर देना सर, वो होता है मानवीकरण, जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, इसको हम पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट करो द वर्ड, वो शब्द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में से जब तुम पढ़ोगे पूरा तो तुम्हें पता चलेगा क्या बात हो रही है। आपको डेड बॉडी का मीनिंग पूछा जा रहा है, तो सर हमने खूब पढ़ लिया, डेड बॉडी का मतलब कॉर्प्स होता है, CORPSE, कॉर्प्स। डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, कॉर्प्स होता है। विच डे इज डिस्क्राइब, कौन से दिन की बात की गई है इस पोइम में, इस पोइम में कौन से दिन की बात की गई है, कि सर फ्राइडे की बात की गई है। कौन से दिन की बात की गई थी, कि सर फ्राइडे की बात की गई थी। Who was sitting beside, बगल में कौन बैठा हुआ है ना, स्पीकर, स्पीकर मतलब कवि, कमला दास के बगल में कौन बैठा हुआ है ऑफ द पोइम, पोइम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कवियत्री की जो माँ है वो उनके साइड में बैठी हुई है, तो हर मदर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हर मदर। गिव द अपोजिट, आपको अपोजिट बताना है, सून, सून का मतलब होता है जल्दी, और अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, तो जल्दी का विलोम किसर देरी से होना, तो आंसर हो जाएगा लेट।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द मदर्स फेस, माँ का चेहरा, माँ के चेहरे का वर्णन किससे किया गया है? एक तो डेड बॉडी से, एशन आया था ना, एशन, माँ के चेहरे को क्या बताया गया था? ASHEN, एशन बताया गया था। और क्या बताया गया था? लेट विंटर्स मून। क्या बताया गया था? लेट विंटर्स चलते मून। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोइट से इन द एंड, अंत में हमारी कवियत्री क्या कहती है? सी यू सून अम्मा, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। इससे पहले जो पोइम पढ़ाई है मैंने, इससे पहले जो वीडियो आया है, पहला नंबर का वीडियो इस सीरीज का, माई मदर एट 66 का, ये दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो में देखना सारी बातें। सी सेड, उसने कहा सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग पेल, पेल का मतलब क्या था? कि सर पेल के तीन चार अर्थ बताए थे आपने, कलरलेस बताया था, ठीक है, पेल का येलोविश बताया था, पेल का मतलब सर फेडिड बताया था, पेल का मतलब सर टायर्ड बताया था, पेल का मतलब सर एज्ड बताया था, बुढ़ापा बताया था। तो याद रखना टायर्ड, अभी अगर चार ऑप्शन दे दे तो टायर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड द पोइट लुक एट, कवियत्री क्यों देखती है, कवियत्री ने क्यों देखा हर मदर अपनी माँ की तरफ दोबारा, कवियत्री ने अपनी माँ की तरफ दोबारा क्यों देखा? तो आंसर है टू चेक, चेक करने के लिए कि सी वॉज वेल, अरे मेरी माँ सही है या नहीं, आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप। चेकअप के बाद में जो दूसरी जगह खड़ी रहती है ना, तब तो वो अपनी माँ को देखती है, क्यों देखती है? कि माँ सही है कि नहीं है। पहले क्या कर रही थी? डोज कर रही थी, ऊंग रही थी, पहले क्या कर रही थी? डोज कर रही थी ना, मुंह खुला हुआ था ना, तो अब वो सिक्योरिटी चेकअप के बाद में क्यों देखा उसने? कि माँ सही है कि नहीं है, वेल है कि नहीं है। Which of these has the poet compare? Compare मतलब तुलना, मदर के चेहरे की तुलना कवि ने किससे की है? लेट विंटर्स मून। कवि ने माँ के चेहरे की तुलना किससे की है? सर लेट विंटर्स मून से, और किससे? एशन से। और मतलब तुलना किससे की थी? डेड बॉडी से, DEAD, डेड बॉडी से। किससे की थी? डेड बॉडी। डेड बॉडी की अंग्रेजी क्या थी पोइम में? CORPSE, कॉर्प्स। तो मदर के फेस की तुलना लेट विंटर्स मून से भी की थी और कॉर्स से भी की थी। आगे बढ़ूंगा, विच ऑफ दीज वॉज द रीजन, वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से माँ का जो चेहरा है वो पीला पीला दिख रहा था? अरे यार एक ही कारण था, माँ बूढ़ी हो रही थी। माँ क्या हो रही थी? माँ बूढ़ी हो रही थी। बुढ़ापे से रिलेटेड आंसर होगा, मदर्स ओल्ड एज। लो आ जाओ भाई, मदर्स ओल्ड एज या ग्रोविंग ओल्ड, माँ धीरे धीरे क्या हो रही थी? माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी या फिर ओल्ड एज में जा रही थी? धीरे धीरे किस में जा रही थी? ओल्ड एज में जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वॉज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर क्या था? कवि के बचपन का डर क्या था? तो कवि के बचपन का डर था कि माँ मरने वाली है, माँ की एनर्जी कम हो रही है, माँ की ताकत कम हो रही है। तो मदर्स डिप्लेटिंग, डिप्लेटिंग याद कर लेना बच्चों, डिप्लेटिंग का मतलब होता है घटना, डिप्लेटिंग का मतलब होता है कम होना। क्या कम हो रही थी? एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत, ये सब कम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 16, सी यू सून अम्मा, व्हाई डिड द पोइट से, कवि ने यू ये क्यों कहा कि सी यू सून अम्मा, ये क्यों कहा, क्या कारण था उन्होंने ये कहा? क्योंकि कवियत्री को आशा थी कि मैं मेरी माँ से दोबारा मिलूंगी, ये उनको मन में आशा थी। बीइंग होपफुल, उनको आशा थी, उनको होप थी, उनको आशा थी टू मीट मदर अगेन, कि वो अपनी माँ से दोबारा मिलेगी, वो अपनी माँ से दोबारा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द पोइट स्माइल, कवि यत्री स्माइल अगेन एंड अगेन, बार 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 कवियत्री ने स्माइल क्यों करी? क्योंकि वो अपना दुख दर्द तकलीफ अपनी स्माइल के पीछे छुपाना चाहती थी। यही तो बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रीटेंड, सर प्रीटेंड मतलब बहाना बनाना। बच्चों प्रीटेंड, PRETEND, याद करना है इन शब्दों को। प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, प्रीटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। तो प्रीटेंडिंग बहाना बना रही थी टू स्माइल, स्माइल करके बहाना बना रही थी कि मैं दुखी नहीं हूं मम्मा। फिर है ट्राइंग टू हाइड, वो हाइड करने की कोशिश कर रही थी। बच्चों हाइड का मतलब क्या होता है? कि सर हाइड का मतलब होता है छुपाना,
हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। वो छुपाना चाह रही थी क्या? हर फियर, अपना डर, फ्रॉम मदर, माँ से। वो माँ से अपना दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी छुपाना चाह रही थी। इसलिए क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी, है ना। बहुत छाले हो रहे हैं यार, बोला नहीं जा रहा। अब इस वीडियो को खत्म करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू? कवियत्री कहाँ जा रही थी? ड्राइविंग टू का मतलब कहाँ जा रही थी कवियत्री? तो हमें बताया जा रहा है, इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये फ्राइडे की मॉर्निंग का समय था जब जो हमारे पोइट है, जो हमारी कवियत्री है, वो जा रही थी विद हर मदर, अपने माँ के साथ में, फ्रॉम हर पेरेंटल होम, अपने माता पिता के घर से। अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द पोइम एंड पोइट। पोइम का नाम क्या है? माई में एम बड़ा, मदर में एम बड़ा, एट में ए छोटा, 60 में एस बड़ा और 6 में एस छोटा। ये ध्यान रखना है, माई मदर एट 66। और पोइट कौन है? पोइट है कमला दास, के बड़ा और डी बड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग्स? कवियत्री की फीलिंग्स, भावनाएं बताओ, एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर उनको क्या लग रहा था? एयरपोर्ट पे उनको डर लग रहा था कि माँ मर जाएगी। फिर वो अपना ध्यान हटाने के लिए माँ के लिए सोचती है, सी यू सून, अम्मा कहती है, स्माइल करती है, वो सारी बातें आएगी। हाउ डिड सी हाइड? उसने कैसे छुपाया? उसने कैसे छुपाया अपने दुख, दर्द, तकलीफ को? कैसे छुपाया? स्माइल करके आ जाओ। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर कवियत्री फियर्ड, कवियत्री डरी हुई थी। किस बात को लेकर डरी हुई थी? लूजिंग, कि खो जाएगी हर मदर, उनकी माँ। लूजिंग हर मदर, की वो अपनी माँ को खो देगी, मतलब माँ मर जाएगी, उनको ये डर था। सी हाइड, ये हाइड की सेकेंड, मतलब हाइड की सेकेंड फॉर्म है हिड, HIDE, हाइड, हिड और हिडन, हाइड, हिड और हिडन। तो सी हाइड, उसने छुपा लिया था हर फियर, अपना डर, दुख, दर्द, तकलीफ छुपा ली थी। कैसे? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उसने अपना दर्द, दुख, तकलीफ छुपा ली थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड सी डू देन? फिर हमारी कवियत्री ने क्या किया? तो देखो, द पोइट इज वेरी सैड। कवियत्री बहुत दुखी थी ना, पहला पैराग्राफ आ रहा है, कवियत्री बहुत दुखी थी। टू सी हर मदर, अपने माँ के चेहरे को देखकर, अपने माँ के बूढ़े चेहरे को देखकर कवियत्री बहुत दुखी थी। इसलिए उसने क्या करा? कार में से, कार की जो खिड़की थी या जो कार था उससे बाहर देखा उसने, अपना ध्यान हटाने के लिए। सी सीज, वह देखती है आउट ऑफ द कार। सी सीज, वह देखती है आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर देखती है, पुट अवे करने के लिए। पुट अवे मतलब हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? थॉट्स, या फिर हर भी कर सकते हैं, हर थॉट्स, अपने विचार, अपना ध्यान, अपने विचार, अपने ध्यान को हटाने के लिए उसने आउट ऑफ द कार देखा। उसने क्या कहा देखा? उसने आउट ऑफ द कार देखा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड सी नोटिस? उसने क्या नोटिस किया? वॉट डिड सी नोटिस, उसने क्या नोटिस किया इन द वर्ल्ड आउटसाइड? आउटसाइड मतलब बाहर। जब उसने कार से बाहर देखा तो उसने क्या नोटिस किया? उसने क्या क्या नोटिस किया था? यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, और क्या नाम है, मेरी चिल्ड्रन जो स्पिलिंग कर रहे थे, स्पिलिंग मतलब बाहर आ रहे थे। आओ सर, सी लुक्स, वह देखती है, वह देखती है द साइट, दृश्य देखती है। कौन सा दृश्य देखती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज का, स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज। अगर तुमने पोइम पढ़ी है ना तो ये सारे शब्द नॉन है, याद है, इतना बेहतरीन लेवल पर पढ़ाया, तुम जाकर देखो तो सही। पहला वीडियो, स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, उसने भागते हुए युवा पेड़ों को देखा और साथ ही साथ में, अलोंग विद, अलोंग साइड, साइड में देखा और साथ ही साथ में बच्चों को देखा जो रनिंग आउट, बाहर आ रहे थे, जो बाहर आ रहे थे। इसके लिए कौन सा शब्द आया था? स्पिलिंग, जो बाहर आ रहे थे अपने घरों से। मेरीली, मेरीली मतलब हैप्पीली, मेरीली का मतलब कैसे आ रहे थे? हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली आ रहे थे अपने घरों से, हैप्पीली आ रहे थे फ्रॉम देयर होम्स, अपने अपने घरों से रनिंग आउट, बाहर आ रहे थे मेरीली, खुशी खुशी बाहर आ रहे थे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू
यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज थे, जो युवा पेड़ भाग रहे थे, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो पेड़ क्या सिग्निफाई करते हैं, वो पेड़ क्या बताते हैं, उन पेड़ों ने क्या बताया, उन पेड़ों का सिग्निफाई क्या, उन पेड़ों का महत्व क्या है, क्या बता रहे हैं ये पेड़ कि द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, द पेड़ या द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं क्योंकि 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 पेड़ भाग रहे हैं क्योंकि क्योंकि दे आर फुल ऑफ, क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वो पूरे ताकत से भरे हुए हैं। हमें बताया जा रहा है पेड़ भाग रहे हैं क्योंकि पेड़ पूरी की पूरी ताकत से भरे हुए हैं। सी फाउंड, उसने पाया देम, उन पेड़ों को रनिंग भागते हुए, उसने पाया उन पेड़ों को भागते हुए, पास्ट देम, उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे उन पेड़ों को भागते हुए कवियत्री ने देखा। और पेड़ों को क्या बताया गया है कि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, दे आर फुल ऑफ पावर, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरे हुए हैं, पावर से भरे हुए हैं, स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। तो सर ये टोटल 23 क्वेश्चन थे, जिसमें से लास्ट के दो चार क्वेश्चन आए ना, ये पोइम का निचोड़ था। उससे पहले तो सारे वन लाइनर के क्वेश्चन थे, और आज मुझसे बोला नहीं गया, मैं उतनी एनर्जी के साथ में तुम्हें नहीं पढ़ाया, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो को दो तीन बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। इसके बाद में जो तीसरा जो वीडियो आएगा वो आएगा एक्सट्रैक्ट का, एक्सप्लेनेशन का, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन आंसर आएंगे। फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन, 3 या 4 या 5। उसके बाद में सेकंड पोइम आएगी तुम्हारी पेब्लो नेरुडा की कीपिंग क्वाइट। जल्दी मुलाकात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आस पड़ोस में 12th में कोई पढ़ता होगा, आस पास की स्कूलों में कोई 12th में पढ़ता होगा, आपके रिलेशन में कोई 12th में पढ़ता होगा, कहीं दूर दराज में कोई 12th में पढ़ता होगा, उनको शेयर करो और उनको बोलो कि ऐसे जो ये वीडियोज है इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।